ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो टुडे एक क्विक शॉर्ट सा टॉपिक, ठीक है, वही जिसके ऊपर अगेन मुझे बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही होती हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। सो आई थॉट के व्हाई नॉट टू एड्रेस इट हियर सो दैट एवरीवन कैन टेक द एडवांटेज, ठीक है। अच्छा, विच डिस्ट्रीब्यूटर्स आर बेस्ट? अब यूजुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स तो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाना चाहिए, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ तीन चार बातें हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ये क्वालिटीज हैं या फिर ये वाले पॉइंट्स जो है बेसिकली फुलफिल हो रही हैं, तो आप उस डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूटर्स हु हैव लो एमओक्यू एंड एमओबी। एमओक्यू एंड एमओबी का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ क्विक शॉर्ट, तो एमओक्यू का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एंड एमओबी का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। एमओक्यू मतलब कि आपने किसी भी प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स परचेज करने, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एमओबी तो इसका मतलब होता है कि आप जो वो पैसों की बात करते हो, परचेजिंग लिमिट भी आप इसको कह सकते हैं कि बेसिकली आपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से कितने पैसों की जो है वो परचेजिंग करनी है। लाइक बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनकी $1,000 परचेजिंग लिमिट होती है, यानी $1,000 से कम की परचेजिंग आप कम से कम नहीं कर सकते, उससे ऊपर आप जितने मर्जी पैसों की करो, ठीक है। इसी तरीके से 500 भी होती है, 1,500 भी होती है, $5,000 भी होती है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जिसका एमओक्यू भी लो हो और एमओवी भी लो हो, वो आपके लिए बेस्ट होता है। अब उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे वजूहात हैं, जस्ट लाइक कि आपका क्लाइंट है वो शुरू में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से जो है वो डरता है। ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका एमओक्यू कम है, आप कम यूनिट्स लेके प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, एंड अगर उसका एमओवी कम है तो क्या होगा कि आप जो है वो कम से कम पैसों के अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी टेस्ट लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज विच अलाउ टू सेल ऑन अमेजोन। ऑब्वियसली बात है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको डायरेक्टली अलाउ कर रहा है कि आप अमेजोन के ऊपर सेल कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि कल को कोई भी इशू आता है, कोई इनवॉइस वगैरह सबमिट करवानी है, तो दे आर फेमिलियर विद दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। विच प्रोवाइड लेबलिंग एंड शिपिंग सर्विसेज। अब लेबलिंग एंड शिपिंग सर्विसेज, आपको पता है कि हमने लेबल्स भी लाजमी तौर से लगाने होते हैं, फिर उसके बाद हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास से प्रोडक्ट को या तो 3PL के वेयर हाउस में या फिर डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में शिप करवाना होता है। अगर आपको ये दोनों चीजें डिस्ट्रीब्यूटर ही प्रोवाइड कर देता है, तो ये चीज आपके लिए जो है वो एक बेनिफिशियल पॉइंट हो जाता है। आप हेक्टिक से मतलब आपको बहुत ज्यादा हेडेक नहीं लेना पड़ता इस चीज का, ठीक है, आपका काम वहीं से हो जाता है, एंड यूजुअली मार्केट के रेट्स जो है वो सेम सेम ही चल रहे होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ये दोनों चीजें प्रोवाइड करता है तो वो भी बेस्ट की कैटेगरी में चला जाएगा। अदरवाइज अगर वो नहीं देता है, तो इसके मुतबादल हम क्या कर सकते हैं कि हम 3PL की सर्विस को हायर कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स विच आर ऑथेंटिक, अगेन वो डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑथेंटिक है, यानी कि ऑथेंटिक का मतलब ये है बेसिकली कि वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से, सॉरी, ब्रांड से डायरेक्ट अप्रूवल लेके सेल कर रहा है, ठीक है, ब्रांड ने उसको अलाउ किया हुआ है, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए बेस्ट होगा। सो दीज आर सम पॉइंट्स के अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर है, दैट मीन्स कि ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपके लिए बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर होगा। आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो आई होप सो कि अब आपका ये क्वेश्चन जो है वो काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच।